थाना 58 क्षेत्र में आज लगभग 2-2.5 घंटे पहले बदमाशों द्वारा एक मोबाइल छीन लिया गया था, जिसमें 2 बदमाश ऑटो पे थे और 2 मोटरसाइकिल पे थे। इनका अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसके पश्चात से लगातार पुलिस कॉम्बिंग कर रही थी और बदमाशों को सर्च कर रही थी। लगभग आधे घंटे पहले यहाँ पर पुलिस टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। बदमाशों द्वारा जो फायरिंग की गई, जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश घायल हुए हैं और इनका एक साथी जो ऑटो पे था वो गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7 मोबाइल, चोरी की 1 मोटरसाइकिल, चोरी की 1 ऑटो, 3 तमंचे, 6 कारतूस बरामद किए गए हैं। इन बदमाशों से जब पूछताछ की गई तो मालूम चला कि इस गैंग के ऊपर लगभग 5 दर्जन मुकदमे पूर्व में पंजीकृत हैं। इनमें गोलू नामक व्यक्ति जो है वो 302 में भी जेल जा चुका है और उसके ऊपर अब तक 46 अभियोग ज्ञात हुए हैं। इसके अलावा भी अन्य अभियोग हो सकते हैं। पूरे दिल्ली NCR क्षेत्र में इनका काफ़ी आतंक था और आज ही इन्होंने दिल्ली और गाजियाबाद क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन मोबाइल लूटे थे। ये लूटने के पश्चात अपने चाचा को ये मोबाइल दे देते थे जो उनको बेचने काम करता था, उसे भी इसमें अभियुक्त बनाया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी करके शेष मोबाइलों की और इनके गैंग की जानकारी की जाएगी और उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। DCP नोएडा सर द्वारा जो टीम मुठभेड़ में शामिल रही और गिरफ्तार किया है उनको 15,000 रुपये का पुरस्कार देने का घोषणा की गई। एक अन्य बदमाश के ऊपर लगभग 8 मुकदमे ज्ञात हैं। तीसरे अभियुक्त की अभी जानकारी की जा रही है, नेट पे और हमारे जो सर्वर हैं उन पे देखा जा रहा है। अभी तक सब जोड़ के लगभग 5 दर्जन अभियोग ज्ञात हैं। अन्य अभियोग भी इनके हो सकते हैं, चूँकि अभी जो अन्य प्रदेश के अभियोग हैं उनको जिस सिस्टम पर देखा जाता है वो दिन में ही उसको देख पाएंगे। ये उम्मीद है कि इनके ऊपर 70 से 80 मुकदमे हो सकते हैं। इनका अपराध का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? इनका पूरा NCR क्षेत्र इनका है। दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, ये पूरे क्षेत्र में लगातार ये अपराध करते हैं और एक दिन में 15-15, 20-20 मोबाइल भी छीनने की बात प्रकाश में आई है, जिसकी पुष्टि की जा रही है, इनसे छानबीन की जा रही है।